शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जेल भरो आंदोलन किया। जनपद मैनपुरी में शिक्षकों व कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ श्री राजीव यादव के नेतृत्व में तिकोनिया पार्क में 325 शिक्षकों ने जेल भरो आंदोलन कर गिरफ्तारियां दी, बाद में मुचलके पर रिहा किया। शिक्षक संघ अध्यक्ष श्री राजीव यादव ने बताया कि ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग लगभग 2 महीने संघर्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में जेल भरो आंदोलन का 5वां चरण, तो ये बताया गया है कि इसमें चालान वगैरह भी हुए। चालान कितने चालान हुए? 125 लोगों ने गिरफ्तारियाँ की। ये कब से चल रहा है आपका धरना? हमारा चल रहा है 21 जनवरी से। जेल भरो आंदोलन 5 चरणों में किया गया था, इसके तहत आज 5वां चरण है। आज लगभग 325 लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी हैं और उन्होंने चल के भरे। तो क्या उनकी क्या आपकी क्या फुल ड्रम डिमांड क्या आपकी? हमारी डिमांड ये है कि शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन सरकार ने बंद कर दी। हम लोग चाहते हैं क्योंकि देश में दो तो एक देश है तो एक ही कानून चलेगा, दो तरह के कानून नहीं चल सकती है। लेकिन लोगों की पेंशन पर कर्मचारियों की बंद करके और सरकार ने विधायकों और सांसदों की पेंशन जारी रखी है, तो लोगों का मानना है कि एक कानून होना चाहिए और हमारी पेंशन भी लागू होनी चाहिए। आपकी मतलब उनका ये कहना, हमने जो इधर जो तनख्वाह भी तो बढ़ा दी है, हमारी जो 1000-2000 और कम करने को दिक्कत नहीं, पुरानी पेंशन हमको नहीं मिलेगी। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 40 साल तक हम लोग सेवा करते हैं सरकार की, सरकार के हमें हम लोग सरकार होने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? बाद में उप जिला मजिस्ट्रेट सदर मैनपुरी श्री अशोक कुमार के समक्ष मुचलके पर सभी शिक्षकों को रिहा कर दिया गया।